अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेल्फ असेसमेंट 3.3। सेल्फ असेसमेंट 3.3 आपकी बुक में दी हुई है। इसमें देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, प्लेस देम इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। फॉर एग्जांपल, आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में, पी। पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब आपने इसको प्लेस करना है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इफ़ वी हैव के शेल, तो उसके अंदर जो सब शेल होता है वो आपके पास 1s होता है, और 2s और 2p हमारे पास एल शेल के अंदर होता है। सो इसका मतलब है इट हैज़ ओनली 2 शेल्स। तो इसका पीरियड नंबर हमारे पास हो जाएगा, इट इज़ प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। वाइल अगर हम इसका ग्रुप नंबर देखेंगे तो वी विल ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। तो ये लास्ट शेल हमारे पास एल शेल है, इनके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 2+2 यानी कि 4। इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन फोर्थ ए ग्रुप। सो दिस एलिमेंट इज़ बेसिकली कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। आपने इसका पीरियड नंबर फाइंड आउट कर लिया है, शेल नंबर हमें पीरियड नंबर बताता है, क्योंकि इसके अंदर 2 शेल्स हैं, दैट्स वाई इट्स पीरियड नंबर इज़ 2, वाइल इट्स ग्रुप नंबर इज़ 4a। सो इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स Q, R, S, T और आपको W, X, Y, Z दिए हुए, इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और उसके बाद आपकी बुक में एक ये इस तरह का स्केच बना हुआ है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, तो पी को आप इधर रखेंगे। अभी आपने फाइंड आउट किया है कि पी जो है वो सेकंड पीरियड में है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, तो पी इधर आ जाएगा और ग्रुप फोर्थ ए में आ जाएगा। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखते जाएंगे तो आप इसके अंदर इसको फिल करते जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि आपको खाली पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। जब आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तब आप इनके जो है वो इस टेबल को आप कंप्लीट करें। उसके बाद आपको एक दी हुई है एग्जांपल 3.3 आपकी बुक में दी हुई है। इसमें आपने बताना है कि राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका होता है कि आप उसमें ये बताते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको इसमें आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है 3.3। एग्ज़ाम्पल 3.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल 3.3 पे आप आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस, इसकी हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, एटॉमिक नंबर इज 15। सो या अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, आप पीरियोडिक टेबल खोलें आप, तो आप ये देखेंगे पीरियोडिक टेबल को खोलने के बाद कि एलिमेंट पी हमारे पास ग्रुप नंबर 5a में, वाइल इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। आप इधर यहाँ पे लिखेंगे कि इट्स पीरियड नंबर इज 3, पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 5a। ये बल्कि इसको आप इस रोमन में लिखेंगे, 5a ग्रुप में। सो ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो सो आप लिखेंगे कि एज इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 5a, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस शेल ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने होते हैं, और पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स। सो अभी आपने ये देखा था कि जब हमने ये ऊपर वाली एग्जांपल में ग्रुप नंबर फाइंड आउट किया था 2+2 = 4 करके, तो अब ये ग्रुप 4a में है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, वाइल पीरियड नंबर
tells us the number of shells present in an atom of any element. इसी तरह आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है. सेल्फ असेसमेंट 3.4, ये भी आप अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे. इसमें आपको दिया हुआ है ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये आपने पीरियोडिक टेबल को भी देख के भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है. ये आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं. अगर आप एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1. इसका मतलब है 3p1 जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है. पी ब्लॉक एलिमेंट है तो इट इज़ प्रेजेंट. अब आप देखेंगे ये 1s के शेल के अंदर होता है, 2s एंड 2p एल, 3s एंड 3p एम. इट मीन्स इट हैज़ थ्री शेल्स, इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड. वाइल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2+1, 3. तो इस 3 इलेक्ट्रॉन्स जब इसके होंगे वैलेंस शेल के अंदर तो ये थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स ग्रुप नंबर विल बी 3a, वाइल पीरियड नंबर इज आल्सो 3. सो इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ग्रुप 3a. और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये आ जाएगी आपके पास 3s2 3p1. दिस इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंस शेल इज़ द लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 3s2 3p1. इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. सिमिलरली इसके दोनों पार्ट्स हैं जो आप अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करें. क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2.